है गाइस, आज हम सीखेंगे साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, नेम आ जाएगा, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड करंट डायग्नोसिस। इसके बाद लिखेंगे हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेन, इसके बाद जो जो कंप्लेन है पेशेंट को वो लिख लेंगे हम। इसके आगे लिखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है, तो कब से है जो प्रेजेंट इलनेस है। इसके बाद मोड ऑफ ऑनसेट क्या था, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब किस वजह से हो रही है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट इलनेस लिखेंगे। अब जैसे हमारे क्या है, सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो भाई सिज़ोफ्रेनिया क्या होता है वो लिख लेंगे हम। इसके बाद सिज़ोफ्रेनिया के बारे में, डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पहले कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री रही है क्या पेशेंट की, पास्ट में साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, पहले और कोई सी साइकेट्रिक डिसऑर्डर था क्या या मेडिकल इलनेस कोई सी थी क्या। ठीक है, इसके बाद साइकेट्रिक हिस्ट्री ये हम लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे पर्सनल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, इसके अंदर सबसे पहले पेरीनेटल हिस्ट्री, जैसे कि एंटरनेटल पीरियड, भाई बच्चा प्रीटर्म तो नहीं था। इसके बाद इंटरनेटल पीरियड, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आया था या नहीं आया था, बर्थ कैसा था, नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, बर्थ क्राई कैसा किया था, डिलेट किया था या फिर सडन किया था, बर्थ डिफेक्ट कोई तो नहीं था, पोस्टनेटल में डिलीवरी के बाद में कंडीशन कैसी थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद चाइल्ड हिस्ट्री लिखेंगे, इसके अंदर प्राइमरी केयर गिवर कौन था बेबी का, जैसे प्राइमरी केयर गिवर कौन होता है, जनरली मदर ही होती है, फीडिंग कैसी थी, ब्रेस्ट फीडिंग कराया था या फिर वीनिंग वगैरह या और कुछ सप्लीमेंट दिए थे बर्थ के बाद में, एज एट वीनिंग, कोई वीनिंग जब चालू की थी तब एज कितनी थी बच्चे की, कितने टाइम पे किया था, 6 महीने पे किया था या पहले कर दिया था या फिर बाद में किया था, माइस्ट्रो डेवलपमेंट सही से हुआ था नहीं हुआ था, डिलेट तो नहीं था, इमोशनल बिहेवियर कैसा था पेशेंट का। इसके बाद इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कोई इलनेस रही थी क्या पेशेंट को या बच्चे को, एजुकेशनल हिस्ट्री, एक कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कब पढ़ाई चालू की थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या था, रिलेशनशिप विद पियर एंड टीचर्स, भाई टीचर और उसके साथ के जो भी स्टूडेंट थे उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा था, स्कूल फोबिया तो नहीं था। इसके बाद प्ले हिस्ट्री लिखेंगे हम, गेम कौन कौन से खेलता था बेबी या जो भी पेशेंट है बचपन में कौन कौन से गेम खेलता था, उसके बाद उसका रिलेशनशिप कैसा था और अदर टीममेट्स के साथ, इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंस के टाइम पे इमोशनल प्रॉब्लम कोई अकर हुई थी या नहीं थी, स्मोकिंग या फिर ड्रग, ऐसी कोई बैड हैबिट तो नहीं थी, अगर थी तो लिख लेंगे, नहीं थी तो भी लिख लेंगे, स्पेसिफिक इमोशनल प्रॉब्लम इसके बारे में लिख लेंगे, प्यूबर्टी के टाइम पर कंडीशन कैसी थी, मतलब प्यूबर्टी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो कब उसमें शो हुए थे, एंजाइटी रिलेटेड टू चेंजेस, जब चेंजेस आए थे तो कोई एंजाइटी वगैरह थी या नहीं थी उससे रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, भाई जॉब करता है नहीं करता, उसके जो भी साथी हैं काम करने में उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, वर्क चालू कब किया था उसने, ये सब लिख लेंगे। इसके बाद सेक्सुअल और मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे, मैरिड है अनमैरिड है, मैरिड है तो रिलेशनशिप कैसा है उसकी वाइफ के साथ, जीनोग्राम बना लेंगे भाई फैमिली में कौन कौन है। इसके बाद प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी लिख लेंगे, इसके बाद आईपीआर कैसा है उसका दूसरों के साथ में, ठीक है, फैमिली सोशल रिलेशंस कैसे हैं, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, यूजफुल स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसा है, जब कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर होती है तो क्या रेस्पॉन्स रहता है पेशेंट का, यही जनरली चीज़ें लिखेंगे हम हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, या अलग अलग बुक हैं जिसमें से भी हमने डाटा लिया है या जिनकी हेल्प से हिस्ट्री कलेक्ट की है। ठीक, सबसे पहले केपी नीरजा की बुक हो गई है, उसके बाद आर श्रीवानी जो कॉमन है सबसे, उसके बाद सैमुअल बी। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।